हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, सिंपल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग पे आना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो जो होता है आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 8.6 पे आना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है लेयर पे। इसके बाद मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आपको 1 से 2 बार देख लेना वीडियो आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैचे के निशान पर क्लिक करूँगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको 4 से 5 सेकंड तक का वीडियो चाहिए, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। और इस वीडियो को यदि आप स्लो मो और फास्ट मो करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको स्पीड कंट्रोल पर आना है और 0.5 कर देना है। अब आपका वीडियो स्लो मोशन में हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ और एक बार वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ ये वीडियो हमारा किस तरह से बना है। तो जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आ सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे करना कि आपको लास्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पर आपको फिल्टर देना है। तो सिंपल आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल आपको कुछ इस तरह से जूम करना है और इसे आपको लास्ट पॉइंट पे कर देना है। आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको फिल्टर दे देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं, जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं। और ये वीडियो जो आपको काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसी वीडियो को डिलीट कर देंगे। अब आपका वीडियो देख सकते हैं, साउंड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद एक वीडियो जो भी है उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपली वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।